तो सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो ये होता है कि मोस्टली लोग आके कह रहे होते हैं कि हमने अपनी एनिमल को जो है वो फलां जगह से माइक्रोचिप करवाया हुआ है और अगर ये गुम हो जाएगा तो हमारे पास इसकी लोकेशन आ जाएगी। तो इस तरह बिल्कुल नहीं होता। माइक्रोचिप के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अनलेस कि आपने वो वाली माइक्रोचिप लगवाई हो जिसके अंदर GPRS है, आप अपने एनिमल को ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक फ्रॉड होता है। जो GPRS वाली माइक्रोचिप्स हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। सेकेंड फ्रॉड जो है वो ये होता है कि लोग इस तरह भी करते हैं कि कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर कोई एनिमल था तो उसकी माइक्रोचिप अगर उसकी डेथ हो जाती तो निकाल के किसी और डॉग को लगा दें। मैंने खुद भी इस तरह के एक दो केसेस देखे हुए हैं और मार्केट में ये वाला फ्रॉड भी प्रैक्टिस में है। थर्ड फ्रॉड जो है वो बेसिकली वो ये चीज़ हो रही होती है कि बहुत सारे इस तरह के क्लब्स भी हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट या फेक पेडिग्रीज बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे इस तरह के ब्रीडर्स हैं जो कि उनकी अच्छी क्वालिटी के जो बिच होती है वो प्रेग्नेंट भी नहीं हुई होती, उनके पप्स भी नहीं आए होते, वो किसी और जो बिच है उसके पप्स ला के अपनी फीमेल के साथ रख देते हैं और यही शो करवाते हैं कि जी ये इसके बच्चे हैं, और वो क्लब वालों के साथ डील करके फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी बनवा लेते हैं। जो फेक पेडिग्री है क्लब्स वगैरह की, जो अच्छे क्लब हैं वो तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे क्लब मौजूद हैं जो कि पैसे लेके आपको फेक पेडिग्रियाँ बना देते हैं। तो जब भी आपने कोई पेडिग्री डॉग लेना है तो ट्राई करें कि किसी अच्छे और वेल रिप्यूटेड जो क्लब है उसकी जो पेडिग्री है उसका डॉग लें आप।